हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां पे मैं आप लोग को बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक सी की प्रोग्रामिंग कराऊंगा। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? सी इज अ जनरल पर्पज प्रोसीजरल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसे डेनिस रिची द्वारा डेवलप किया गया था। और हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफरेंट सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटाबेस, कंपाइलर्स, ड्राइवर्स एक्सेट्रा। तो आइए और जान लेते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में एग्जैक्टली। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मस्ट, अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हैं तो आप सबको फर्स्ट सेम में या सेकेंड सेम में ही सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाया जाता है। ये बहुत ही कंपलसरी होता है कि जाना जाता है कि हर एक टेक्निकल स्टूडेंट को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आनी चाहिए। क्यों? ये सी लैंग्वेज सबसे पहली लैंग्वेज है यहाँ पे। अब ये जान लेते हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाना क्यों पड़ा। क्यों? जब कंप्यूटर बना तो कंप्यूटर के पास तो खुद का दिमाग है नहीं, तो हम लोग जानते थे कि मानते हैं कि कंप्यूटर बिल्कुल एक डम मशीन है जिसे कुछ नहीं पता। तो उसे कुछ बताने के लिए हमें कुछ कोई तो मीडियम चाहिए, जैसे एक छोटा बच्चा। जब वो छोटा बच्चे को स्टार्टिंग में कुछ नहीं पता होता है, तो उसे हम लोग बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, कि तभी वो आगे बोलता है, चलता है। तो हम जस्ट वही सेम रूल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है कंप्यूटर के साथ। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर डम मशीन है जिसे कुछ नहीं पता। तो हम लोग को कोई एक मीडियम चाहिए जिससे हम लोग अब अपने कंप्यूटर को बता सके कि उसे अब करना क्या है। तो इस सबसे पहले सी लैंग्वेज ही डेवलप किया गया, जिसकी मदद से जितने भी हार्डवेयर है हमारे मशीन से उनको कंट्रोल किया जाने लगा और सी लैंग्वेज में कोडिंग की जाने लगी। सी लैंग्वेज क्या है? ईजी टू लर्न, इट इज़ द वेरी फाइनेस्ट। और सी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करने में, कंपाइलर्स, ड्राइवर्स एक्सेट्रा। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंटेंट आपको नेट पे बहुत सारे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। आई होप सब लोग पढ़ लेंगे, यहाँ पे बताने की उतनी आवश्यकता नहीं, क्योंकि जितना हमें जानना था हमने जान लिया है कि सी प्रोग्रामिंग क्या है। ये फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहाँ पर हम लोग बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक की। यहाँ पे सी लैंग्वेज में एग्जैक्टली कोई भी पैकेज नहीं होता जैसे और लैंग्वेज में होता है। यहाँ पे हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से सब कुछ हम लोग को करना होता है, मेमोरी मैनेजमेंट एक्सेट्रा। तो अब आगे चल के वो सब मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि हम लोग यहाँ पे कौन कौन से प्लेटफॉर्म यूज करेंगे जहाँ पे सी प्रोग्रामिंग करेंगे। सबसे बेसिक जो हमारा आईडी है वो क्या है? वो है टर्बो सी। हर एक स्टूडेंट को सबसे पहले टर्बो सी बताया जाता है, क्योंकि आप 12th पास करने वाले लड़के जब जाते हैं अपने कॉलेज में, तो उनको प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं रहता है। तो बस सिंपली वो टर्बो सी बताया जाता है, क्योंकि टर्बो सी बहुत ही एनिमेटेड है और बहुत ही सिंपल है, जहाँ पर हम लोग सी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और मैं आप लोग को यहाँ पे ऐसे दो प्लेटफॉर्म बताऊँगा, दो प्लेटफॉर्म पे प्रोग्रामिंग कराऊँगा। आप लोग को जो पसंद हो आप लोग उसे ही पकड़ के आगे बढ़ सकते हैं। फर्स्ट जो है वो है टर्बो सी, और जो सेकंड है हमारा वो है विजुअल स्टूडियो कोड। अब बहुत लोग करते हैं कि वो मतलब डिफरेंट लैंग्वेज में भी प्रोग्रामिंग करते हैं, तो उनसे एक क्वेश्चन आता है कि हमने विजुअल स्टूडियो कोड रखा है, अब टर्बो सी भी रखे, कितना रखें? तो आप लोग विजुअल स्टूडियो कोड में ही सी प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, जावा भी कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं बताऊंगा आप लोग को कि आप लोग विजुअल स्टूडियो कोड में कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं, तो आज की वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि कैसे हम लोग टर्बो सी डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो टर्बो सी को इंस्टॉल करते हैं, बस लिखेंगे क्या, टर्बो सी डाउनलोड, सिंपली सर्च करेंगे, आप लोग को दिख जाएगा स्टार्टिंग में ही डाउनलोड टर्बो सी फॉर विंडोज 7, 8, 8.1 विंडोज एंड विंडोज 10। सिंपली डबल क्लिक कर लेंगे यहाँ पे, और जैसे ही एक स्क्रीन खुल के आ जाएगी जहाँ पे आप लोग को दिखा रहे डाउनलोड टर्बो सी फॉर विंडोज 7, 8, 8.1 एंड विंडोज 10।
सो हाउ टू इंस्टॉल टर्बो सी, जस्ट डाउनलोड, आप लोग के यहाँ पर डाउनलोड का बटन दिखेगा, जस्ट सिंपली यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे और ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देगा और आप लोग का डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। वेट, लेकिन डाउनलोडिंग टर्बो सी की स्टार्ट होगी। ये बस ज़्यादा नहीं, 7 MB का है, 7 MB का, आप लोग इजीली से डाउनलोड कर सकते हैं और कर सकते हैं। देखिए मेरा डाउनलोड हो गया, अब आइए चलते हैं। अब डाउनलोड होने के बाद फोल्डर में आ जाएंगे, फोल्डर में आप लोग को जिप, ये जिप फॉर्म में मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पर क्या राइट क्लिक करके, सेलेक्ट सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक कर देंगे, तो ये क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट ऑल करने के बाद सेम फोल्डर के नाम से एक और फोल्डर बना देगा और इस फोल्डर में जो भी कंटेंट है उसे जो एक्सट्रैक्ट किया गया है जिप में, कंप्रेस कर दिया गया, उसे वो अनकंप्रेस करके एक ऑटोमेटिकली नया फोल्डर बना देगा। हम लोग फिर क्या क्या करते हैं, जो नया फोल्डर बना उस नया फोल्डर अंदर जाएंगे, टर्बो सी अंदर। हम लोग यहाँ 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 पर देखेगा टर्बो सी प्लस प्लस 3.2 MSI, जस्ट सिंपल हम लोग इसे डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, फिर इंस्टॉल, और यहाँ पे आएगा वेलकम टू द इंस्टॉल विजार्ड फॉर टर्बो सी। अब यहाँ पे हम लोग टर्बो सी अपना इंस्टॉल करना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, मॉडिफाई रिपेयर, मैं यहाँ पे पहले ही कर चुका हूँ तो आप लोग को ये नहीं आएगा, जस्ट सिंपली आपको नेक्स्ट 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 करना रहेगा और सिम बहुत ही ईजिली डाउन हो जाएगा इंस्टॉल। मैं पहले इंस्टॉल इंस्टॉल कर लिया हूँ तो मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। तो आप लोग डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद तो क्या होगा, आप आपके डेस्कटॉप पे एक टर्बो सी के नाम से एक आइकन बन के आ जाएगा, जस्ट सिंपल हम लोग को डबल क्लिक करना है आइकन पे और ये टर्बो सी अपना ओपन हो जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा ये टाइम लेगा, स्टार्टिंग में जब आपको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, ये बॉक्स खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना, जस्ट स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस, टर्बो सी प्लस प्लस क्यों, ये टर्बो सी आप लोग सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में भी यूज कर सकते हैं। सिंपल ये अपना डॉट ओपन करेगा और ये टर्बो सी अपना स्क्रीन, यही हमारी स्क्रीन होती है, कहते हैं टर्बो सी। टर्बो सी बहुत ही अमेजिंग है ये। तो आप लोग अब जैसे ये ओपन हो जाएगा, कोई बटन क्लिक करेंगे, इसे मिनिमाइज करने का, कट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो आप लोग सोचेंगे अब मैं क्या करूं, आप लोग को तो ये एस्केप बटन भी दबाएंगे तो कुछ कुछ नहीं होगा। तो इसको करने से करना क्या होता है, तो हम लोग करना क्या है, एल्ट इंटर प्रेस करेंगे तो इस फॉर्म में बिल्कुल मिनिमाइज छोटा हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ से कुछ और भी काम कर सकते हैं, जस्ट अगर आप फिर से इसमें इंटर करना है, बड़ा करना है, तो जस्ट क्लिक करने के बाद जस्ट सिंपल एल्ट इंटर। अगर आपको यहाँ पे इस पूरे टर्बो सी के स्क्रीन कोई कट करना है तो आप आपको सिंपल क्लिक करना है एल्ट एक्स करेंगे तो ये पूरा एक कट के ख़त्म हो जाएगा सिंपल। तो अगर फिर से हमें स्टार्ट करना हो तो, क्योंकि इंट्रोडक्शन ये आपको देगा, पहली बार कर रहे हैं तो आपको ये इंट्रोडक्शन के लिए देगा कि आप लोग यहाँ पे टर्बो सी के बारे में जान सकते हैं कि क्या है एग्जैक्टली। तो आप लोग टर्बो सी इंस्टॉल ओपन करेंगे, जस्ट ऐसे ओपन होगा। अगर आपको बाहर जाना है तो एल्ट इंटर, अगर आपको किसी से बिल्कुल कट करना है तो एल्ट एक्स आप करके कट कर सकते हैं, अदरवाइज और कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे सी लैंग्वेज जो इसमें हम लोग सी प्रोग्रामिंग करेंगे, जो फाइल बनाएंगे उसके लिए एक्सटेंशन है डॉट सी और एक और है डॉट सी पी पी। एक्सटेंशन नाम से फाइल सेव करेंगे और प्रोग्राम को अपने रन कराएंगे। स्पेशली टर्बो सी में क्या है, टर्बो सी में हम लोग प्रोग्राम को Ctrl 9 से रन कराते हैं, इट्स वेरी सिंपल। तो आज के लिए गाइस आई होप सब सबका टर्बो सी इंस्टॉल हो गया है, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो से टर्बो सी में प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, अपनी सी सी प्रोग्रामिंग को आगे बढ़ाएंगे। आई होप गाइस इतना सब कुछ समझ समझ में आ गया होगा। अब बस जो भी जो स्टेप मैंने बताया सिंपली फॉलो करिए, करना कुछ नहीं है, बस सिंपल डाउनलोड करना है, सिंपल डाउनलोड करना है, यहाँ से डाउनलोड बटन क्लिक कर ये ऑटोमेटिक डाउनलोड कर लेगा। फिर हम लोग को फोल्डर में जाना है और जो फोल्डर में जाना है, फोल्डर में जाने के बाद जो हमारा जिप है उसे उसे सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट ऑल कर लेंगे तो एक ऑटोमेटिकली नया नया फोल्डर बन जाएगा। नया फोल्डर के अंदर हमें अपना टर्बो सी MSI सेटअप डॉट exe पे नहीं करिएगा, डॉट टर्बो सी डॉट इंस्टॉलर है, इसे आप डबल क्लिक करके ओपन
कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं, और सिंपली ओपन करने के बाद आप को सिंपल प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने कर सकते हैं। और आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हम लोग अपने विजुअल स्टूडियो कोड में कैसे टर्बो सी के लिए सेटिंग करेंगे, उसके लिए क्या क्या एक्सटेंशन होती है वो डाउनलोड करेंगे, और बताएंगे कि अपने विजुअल स्टूडियो कोड में कैसे सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग को जैसे स्पेशली सी प्रोग्रामिंग लोगों को बहुत हार्ड लगता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हमें कोडिंग करनी पड़ती है। सी प्रोग्रामिंग उतनी हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है, बस हमें बस थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि कोई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको थ्योरी पढ़ के समझ में नहीं आएगी। हम लोग को क्या पढ़ना तो थ्योरी ही है, मत थ्योरी पढ़ने के बाद हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जितने ज़्यादा हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे उतनी ही हमारा सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती चली जाएगी। अदरवाइज होता क्या है कि स्टूडेंट थ्योरी तो पढ़ लेते हैं अपने कॉलेज में नोट से, तो थ्योरी पढ़ने के बाद वो क्या करते हैं, वो प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस नहीं करते, जिससे जिसकी वजह से उनका सी सी प्रोग्रामिंग बहुत ही वीक होता है, और फिर बहुत तरह की प्रॉब्लम आती है। तो आप अगर आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग करनी है, स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, अगर आपको उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कमांड चाहिए स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप लोग को बहुत बहुत सारे प्रैक्ट तो उस लैंग्वेज पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस कैसे होगा, ज़्यादा 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 प्रोग्राम बनाइए, स्पेशली ज़्यादा नहीं, डेली एक प्रोग्राम बहुत है, डेली अगर एक प्रोग्राम तो महीने की एंड होते होते हमारा 30 प्रोग्राम बन के तैयार हो जाएगा। 30 प्रोग्राम मतलब समझते हैं, 30 30 प्रोग्राम जैसे बना लेंगे आप, तो आप लोग को लगेगा हाँ कि हमने सी प्रोग्रामिंग में या किसी भी या पाइथन जावा जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सेलेक्ट करें, आप लोग को लगेगा कि हाँ हमने कुछ प्रोग्रामिंग किया है। तो आप तो उसके बाद आप लोग का और इंटरेस्ट आएगा, तो आप जो जैसे जैसे बेसिक टू एडवांस लेवल पे जाएंगे तो आप लोग को बहुत मज़ा आएगा, और आप अपने अपने प्रोग्रामिंग को कंटिन्यू रखेंगे। स्टार्टिंग में ही क्या होता है कि स्टूडेंट करते क्या है, स्टार्टिंग में उनका मन तो रहता है कि डेली प्रोग्रामिंग करेंगे, डेली प्रोग्रामिंग करेंगे, डेली प्रोग्रामिंग करेंगे, लेकिन होता क्या है कि वो 1 2 दिन प्रोग्रामिंग करेंगे, उसके बाद उनका खुद ही कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, क्योंकि उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है, यार ये नहीं हुआ, ये रन नहीं हो रहा है, ये कंपाइल नहीं हो रहा है, कैसे करूँ, तो वो क्या होता है, धीरे 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 डिमोटिवेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर वो फिर मतलब प्रोग्रामिंग उनका छूट जाता है, और फिर प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये प्रोग्राम है ही है, यहाँ पे आप लोग थ्योरी पढ़ के कुछ नहीं कर पाएंगे। थ्योरी पढ़ के क्या करेंगे हम लोग, क्या थ्योरी पढ़ने के बाद क्या हम लोग एक कोई भी प्रोग्राम बना पाएंगे? अगर 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 मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम, ये पूरी की जो विंडो 10 हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम दिख रही है एक्जैक्टली, ये इसको भी तो प्रोग्रामिंग से बनाया गया होगा। अगर मान लीजिए आपको प्रोग्रामिंग आती ही नहीं है, अगर आपको दे दिया जाए टास्क, मान लो आपको जॉब मिल गया, तो आप लोग कैसे करेंगे, आता ही नहीं है, तो उस टाइम तो दिक्कत होगी। तो बस सिंपल यही है कि अगर आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है, और स्पेशली फॉर बीटेक स्टूडेंट, उनके फर्स्ट सेम में या सेकंड सेम में ही सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाती है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जहाँ पे वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं। और तो मैं इतना ही कहूँगा कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, अगर सी प्रोग्रामिंग, मैं सिर्फ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, सी, पाइथन, जावा, C++। अगर आप ज़्यादा ज़्यादा अगर प्रोग्राम की प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका वो लैंग्वेज स्ट्रांग होगा, अदरवाइज वो स्ट्रांग नहीं होगा। आपको धीरे धीरे फिर डाउट आपको जो जैसे होता गया, मतलब थ्योरी पढ़ लिए कॉलेज में कोचिंग में बुक से, तो थ्योरी पढ़ते रहते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं, तो हमें बहुत सिंपल लगता है, यार ये तो सिंपल है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, सबको डाउट होता है कि हाँ यार बहुत सिंपल है, करना क्या है, बस ये करना हो कंप्लीट हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग तो करते हैं प्रोग्रामिंग याद करते हैं, प्रोग्रामिंग लर्न कौन करता है, कोई नहीं, बस हम लोग क्या करना है, हम लोग को लॉजिक समझना है, और वो सेंटेक्स जो सी जो, और जो उस लैंग्वेज का सेंटेक्स है, हमें बस वो सिंपली याद रखना है कि कैसे हम लोग सेंटेक्स यूज करेंगे, वो भी याद नहीं करना है, वो भी आप लोग जैसे जैसे प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करेंगे वो आपको याद होता है, अब खुद ही याद हो जाएगा। तो जैसे आप लोग हम लोग को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को याद लर्न करने की कोई चीज़ है ही नहीं, यहाँ पे बस आप लोग को प्रैक्टिस करना है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप लोग के लिए अच्छा है, क्योंकि प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग जितना ही ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही होगा। जैसे कोई काम, जैसे हम लोग कोई काम करते हैं, जैसे
जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि आप लोग मान लीजिए कि आप लोग अब से पहले कभी खाना नहीं बनाया है। अगर आप किचन में इंटर करेंगे और आपको बोल दिया जाए आप ये रोटी बना दो, सब्जी बना दो, चावल बना दो, तो आप लोग को तो पहले से पता कुछ है ही नहीं, बस देखे हैं एक बार, हाँ मम्मी को बनाते हैं, मम्मी हाँ मम्मी ऐसे ऐसे करते हैं तो बन जाता है। तो सिंपली मान लीजिए हम लोग ऐसे फॉलो करते हुए क्या करेंगे, सब्जी रखने के लिए या रोटी या चावल हम लोग आप लोग गैस पर रख देंगे। तो होता क्या है, तो हम लोग को पता है नहीं होता है कि कब ये पक गया, कब क्या करना है, तो हम लोग को मतलब एग्जैक्टली पता नहीं, तो हम लोग सिंपल वेट करते रहते हैं, वेट करते रहते हैं। और एट द टाइम होता क्या है कि चावल हो तो चावल जल जाती है, रोटी ठीक से नहीं बन पाती है, दाल में नमक कम डाल दिए, ज़्यादा डाल दिए, तो बस यही है। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पर भी सेम ये चीज़ है। अब अगर आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मम्मी क्या करती हैं, वो डेली वो खाना बनाती है, तो उनका वो प्रैक्टिस हो जाता है, तो जिसकी वजह से वो डेली अच्छे अच्छे खाने बना पाती है। तो हम वही 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 चीज़ है हमारे प्रोग्रामिंग में, हम लोग को करना कुछ नहीं है, बस सिंपल डेली प्रैक्टिस करना है। तो इसीलिए मैं ये एक सी प्रोग्रामिंग सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसपे हम लोग डेली ज़्यादा नहीं सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाएंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे, बेसिक सिंपल सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे और समझेंगे। आप लोग इसके लिए कोई भी ऐसा नहीं है कि आप लोगों को दिक्कत होगा, मैं बिल्कुल स्क्रैच से बताऊंगा कि कैसे क्या हो रहा है, कैसे बन रहा है। तो आप सबको दिक्कत होगा नहीं, बस आप लोग से बस इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा कि बस डेली वीडियो को फॉलो करें, और डेली सिंपल नहीं, एक प्रोग्राम बनाएं। अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़ा सा सीख रहे हैं, तो आप क्या क्या कर सकते हैं कि स्पेशली कुछ लोग होते हैं जिनको सी लैंग्वेज पहले से आती है, तो ये बहुत अच्छी बात है, तो उन्हें ये वीडियो स्टार्टिंग में बहुत बोरिंग लगे यार, बोलेंगे यार यार ये तो मुझे आता है, इसे मैं क्यों देखूँ। तो आप लोग नहीं 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 भी देख सकते हैं या देख भी सकते हैं, तो आप लोग का फिर से रिविज़न हो जाएगा तो क्या होगा। तो जिन्हें पहले से आता है, तो मैं उनसे ये बोलूँगा कि मैं तो यहाँ पे एक प्रोग्राम कराऊंगा, अब वो प्रोग्राम करने के साथ साथ आप एक प्रोग्राम अपने से भी उठाइए और उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तो आप लोग का डेली दो दो प्रोग्राम बनेगा। तो सोचिए अगर आप यही चीज़ ज़्यादा नहीं 1 महीने फॉलो कर देंगे, तो आप कितने प्रोग्राम बन जाएंगे, और आपको इस लैंग्वेज में कमांड तो मिल ही जाएगा, आपका ये लैंग्वेज स्ट्रांग तो हो ही जाएगा, जैसे साइकोलॉजी में भी कहा गया है। साइकोलॉजी में भी कहा गया है कि अगर कोई भी इंसान एक काम को 21 दिन तक करता है तो वो उसकी हैबिट में आ जाती है। आप लोग तो यहाँ महीने भर करेंगे, तो सोचिए क्या होगा। अगर महीने भर कर लेंगे तो आप लोग का फिर मतलब मन हटेगा नहीं, आप लोग फिर प्रोग्रामिंग बहुत ही ईजिली कंटिन्यू रखे रहेंगे, क्योंकि आप लोग को फिर क्या होगा, प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट आने लगेगा। और प्रोग्रामिंग बहुत 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 अच्छी चीज़ है यार, बहुत सिंपल है सी लैंग्वेज, बहुत सिंपल लैंग्वेज है, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे। तो आई होप सब सबको समझ में आ गया होगा। तो गाइस अगर अगर किसी को भी इंस्टॉलेशन में या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वो कमेंट करके मुझे बता सकता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही रख करते हैं, थैंक यू।